दोस्तों, मैं हूँ दीपक कुमार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप कैसे सरकारीरिजल्ट.com जैसी एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी ब्लॉगर पर मोबाइल से। जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, बहुत आसान है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसे बनाने की। इस तरीके डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले मैं अपने ब्लॉगर का डैशबोर्ड ओपन करूँ, तो ये रहा ब्लॉगर, और इसमें मैं आपको व्यू ब्लॉग करके दिखाता हूँ। एक डेमो वेबसाइट मैंने क्रिएट किया है आपको सिखाने के लिए सिर्फ जस्ट। और देखिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम आती है ब्लॉगर के साथ वो है, इसमें कोई भी कस्टमाइज वगैरह नहीं किया है मैंने, तो इसमें कस्टमाइज करेंगे और सरकारीरिजल्ट.com जैसी वेबसाइट बना के दिखाएंगे आपको। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ थीम पे, फिर उसके बाद लेआउट और बैक, यहाँ पे दिखा ना बैकअप एंड रिस्टोर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इधर से हमें चूज़ फाइल पे अपना थीम सेलेक्ट करना है किधर है। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ मेरा किधर गया वो थीम। तो सरकारीरिजल्ट.com वाली वेबसाइट, ओके। तो ये रहा टेम्पलेट सरकारी जॉब, तो इसे हम अपलोड बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। तो अपलोड होने के बाद देखिए अभी इस तरह का इंटरफेस हो गया होगा पूरा, कितना फ़र्क आया देखिए। तो हम व्यू अब रिफ्रेश करते हैं अपने वेबसाइट को फिर से। ये देखिए, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए टोटली पूरी तरह से बदल चुका है सरकारीरिजल्ट.com जैसी वेबसाइट की तरह, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको लोगो लगाना है, ये एड्स के लिए दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे भी इस तरीके से आ गया जॉब आपका आर्टिकल वगैरह यहाँ पे, जैसे इसमें दिखाया हुआ है। तो थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन इतना जो भी है सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप जानते हैं, क्योंकि मैंने इसे कस्टमाइज करना है आपको, बताना है कुछ ज़रूरी बातें कि कैसे कैसे करनी है आपको, तो देखते रहिए वीडियो को। चलिए अभी से हम कस्टमाइज करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो लेआउट में जाना है आपको। लेआउट में जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हेडर लोगो तो आप हेडर लगा लीजिए अपना। तो मैं अभी हेडर लगाना नहीं चाहता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ जस्ट, टैक्स ठीक है, आप लोगो लगा लेना बाद में बना के एक अच्छा सा। चलिए ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं देखिए मेन मेनू, तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि मेनू कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम कर लेते हैं मेनू पहले क्रिएट। आपको मेरे को ये थीम सबसे बेस्ट इसलिए लगा क्योंकि इसमें आप थीम बहुत अच्छी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, वो भी मोबाइल से बिना किसी पीसी लैपटॉप की मदद के बिना। ये बहुत अच्छी बात है इस थीम की, इसलिए मुझे ये बेस्ट लगता है। और ना ही इसमें आपको थंबनेल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, बिना इमेज के भी आप इसमें आर्टिकल लिख सकते हैं, तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले देखिए फीचर लिखा हुआ है, तो इस फीचर्स को हम यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ पे देते हैं एडमिट कार्ड। एक मिनट, पहले हम पहले यूआरएल कॉपी कर लेंगे, जैसे कि वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ से देखिए कैटेगरी, तो कैटेगरीज में यहाँ पे एडमिट कार्ड है, तो इसे ओपन कीजिए आप। यहाँ से इसका यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेना आपको, तो कॉपी हो गया, ये लेबल का यूआरएल है। उसके बाद चलते हैं फिर से लेआउट पर और यहाँ पर देना है हमें एडमिट कार्ड, तो लिख देता हूँ मैं। और उसके बाद ये यूआरएल है, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा मैं इस तरीके से। तो पेस्ट करने के बाद यहाँ देखिए सेव का बटन है, सेव पे क्लिक कीजिए आप, सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पर एडमिट कार्ड आ गया, उसके बाद आप इन सब को एडिट कर करके अपना यूआरएल उसी तरह से कॉपी पेस्ट करके ऐड कर सकते हो। तो आप समझ गए कि कैटेगरी कैसे ऐड करना है। चलिए पहला प्रॉब्लम हो गया हमारा, ये कस्टमाइज कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम जानते हैं दूसरा आगे क्या करना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी इसमें हम क्या चेंज करने वाले हैं। तो मेनू हम दिखा देते हैं आपको एडमिट कार्ड, ये देखिए सबसे पहले आ गया, हमने ये काम ख़त्म किया। उसके बाद और सबसे ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ ये वाली दिक्कत, एक देखिए आप ध्यान से थोड़ा, एक मिनट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, ये सिलेबस और बेस्ट कोर्स, रिसेंट पोस्ट, तो हमें इन चारों में पोस्ट कैसे ऐड करना है सवाल ये है अब। तो जैसे कि इस वेबसाइट पर देख रहे हैं आप रिजल्ट, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब, तो इस तरीके से दिया हुआ, तो आप भी दिखाना चाहते हैं इसमें, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन, तो मैं यहाँ से और सरकार देख, मेरा एक कैटेगरी है, जैसे कि इस कैटेगरी का देखिए लेबल सरकारी नौकरी अलर्ट, ठीक है। तो मैं इसका जो भी है पोस्ट मैं इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूँ, तो वो कैसे दिखाएंगे उसके लिए हम चलते हैं फिर से लेआउट पे। लेआउट पे जाने के बाद ये देखिए यहाँ लिखा है ना लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, सिलेबस, ये सब है, तो हम लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप चाहे तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेटेस्ट जॉब देना चाहता हूँ यहाँ पर, ओके। अब हो गया, अभी हमें यहाँ पे करना क्या होगा, देखिए ऑल इंडिया जॉब्स लिखा है ना, यहाँ तक इसको रिमूव करना है आपको इस तरीके से। रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है सरकारी नौकरी
अलर्ट, ये क्यों लिखना है बताऊँ मैं, क्योंकि ये लेबल्स का नाम है जो आपका कैटेगरी में है, तो इसको आप यहाँ पे लिखेंगे तो उधर पोस्ट शो होगा, जो भी सरकारी नौकरी अलर्ट में जितने भी पोस्ट है तो शो होगा। अभी से एक बार रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं पोस्ट आया कि नहीं। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे पोस्ट शो होने लगा, इरर नो पोस्ट फाउंड, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया पीछे, हम दिखाते हैं फिर से आपको। चलिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसीलिए नहीं आया अभी तक। ओके, इसे मैं बैक करता हूँ, सरकारी नौकरी अलर्ट यहाँ से, एक मिनट। ओके, सरकारी नौकरी अलर्ट, ठीक है ना। अब यहाँ से हम फिर सेव करते हैं और देखते हैं कि आता है कि नहीं। अभी अगर आपने नाम गलत लिखा होगा तो उसमें पोस्ट शो नहीं होने वाला है आपका, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो अभी भी पोस्ट शो नहीं हो रहा है, तो गड़बड़ क्या है मैं अभी बताता हूँ आपको। देख लीजिए, सरकारी नौकरी अलर्ट, तो यहाँ पे अभी मैं समझ गया क्या गड़बड़ है, तो मैं फिर से इसे एक बार कर देता हूँ। ध्यान से देखिए इस वीडियो को, मेरे को लगा था, पता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, आपको समझाना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले एस बड़ा था वहाँ पे कैपिटल में सरकारी, फिर एन भी बड़ा, मैं अक्षर में चाहिए इसको, और ए सब कैपिटल में लिख लीजिए आप, अलर्ट। ओके, आप देखिए कैसे आता है वहाँ पर सारा पोस्ट। अब हमने इसे सेव किया और रिफ्रेश करते हैं, तो देख लीजिए ये रिफ्रेश हो रहा है और पोस्ट आपके सामने होगा। तो देख सकते हैं आप पोस्ट आ गया, हाउ टू बिकम अ पायलट। तो इसमें एक ही पोस्ट इसलिए ही आया, आप जितना लिखेंगे ज़्यादा उतना पोस्ट आएगा। तो जैसे कि एडमिट कार्ड, हम एडमिट कार्ड में भी ऐड करके दिखाता हूँ अभी आपको, ये एडमिट कार्ड्स है, तो इसका नाम हमें चेंज करना होगा, एडमिट कार्ड्स नहीं लिखना मुझे। ओके, अब यहाँ पे भी दूंगा मैं एडमिट कार्ड, देखिए इस तरीके से, ADMID कार्ड्स। ओके, देन सेव के बटन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद हम चलते हैं फिर से रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो यहाँ पे दो जगह पे पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, देखिए ये देख लीजिए एडमिट कार्ड पुलिस, तो कितना अच्छा लग रहा है। अभी एक एक पोस्ट है सब में, वैसे भी ज़्यादा नहीं है इसलिए, और तो आप समझ गए होंगे कि बाकी इन सब में कैसे आपको ऐड करना होगा। इसी तरीके सब मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे लेफ्ट राइट कैसे करेंगे, जैसे ये एडमिट कार्ड को आप इस तरफ लाना चाहते हैं, लेडीज जो इस तरफ, तो हम दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करना। चलिए लेआउट पर चलते हैं फिर से, लेआउट पर आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये सिलेबस लिखा है ना, सिलेबस क्या है ये, अजीब सन। चलिए तो देखिए यहाँ पे आपको कैट लेबल का नाम लिखना है, इसमें नेवी जहाँ पे लिखा है ना, CPU नवी तक, इस नवी को रिमूव करके आप अपने कैटेगरी का नाम लिख दीजिए। उसके बाद ऊपर चाहे तो आप चेंज जो करना चाहते हैं, लेटेस्ट पोर्ट, लेटेस्ट लेटेस्ट जॉब, जो भी देना चाहे दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पे कैटेगरी का नाम आपको लिखना होता है, बाकी कुछ नहीं करना होता है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं राइट में करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर लिखूँगा राइट, आप जैसा चाहे वैसा कस्टमाइज़ कीजिए। तो राइट लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इसके बाद सेव बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये वाला फोल्डर देखिए यहाँ पे जो बना था वो राइट में हो जाएगा, ये देखिए इस तरफ से हल्का सा घिसक जाएगा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरफ आ गया होगा, ये देख लीजिए फ़र्क दिखा ना आपको। तो मैं चाहता हूँ बाई डिफ़ॉल्ट ही सही है, मेरे को नहीं करना ऐसा, तो लेफ़्ट था लेफ़्ट ही कर देंगे हम। तो मेरे को ये बताना ज़रूर लगा इसलिए बता दिया आपको, लेफ़्ट राइट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये फ़ायदा है इस थीम का। आप चलिए और भी कुछ सेटिंग कर लेते हैं जो जो ज़रूरी है, मैं आपको बताता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाए मुझे वैसे मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाता नहीं हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए किसी ने रिक्वेस्ट किसी की इस जॉब वाली वेबसाइट के ऊपर बनाइए। तो अभी हमारा एक काम हो गया, ये हेडर लोगो तो आप लगा लेना, जैसे मेरा यही ठीक है, मैं लोगो नहीं लगाऊंगा। उसके बाद मेनू बार का हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, सॉरी, अबाउट प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टैक्ट, उसका पेज हम कैसे लगाएंगे, और इसके बाद मैं बताता हूँ और क्या करना है आपको, जैसे कि सोशल मीडिया लिंक ये सब लगाना ज़रूरी है अभी इसमें। तो चलिए करते हैं हम इसे। फॉर एग्जांपल आपको अगर चाहिए, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, सोशल मीडिया लिंक लगाना है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, नीचे आ जाइए लास्ट में, तो देखिए सोशल फोटर विजेट लिखा है, इस पर एडिट बटन पर क्लिक कीजिए, तो ये रहा आपका फेसबुक। जैसे मैं यूट्यूब लिखना चाहता हूँ, यूट्यूब लिखने से पहले आपको स्मॉल अक्षर में लिखना है, सिर्फ स्मॉल में, ठीक है, पूरा बड़ा में लिखेंगे तो सपोर्ट नहीं करेगा इस तरीके से यूट्यूब। और यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दीजिए, फिर ऐड लिंक पे क्लिक कीजिए, फिर सेव कर दीजिए। तो फिर पहले चार थे, अब यहाँ पर पाँच हो गए होंगे। अभी ये काम हो गया हमारा इस तरीके से, देख लीजिए यूट्यूब का लोगो आ चुका है, ये नीचे देख सकते हैं आप। अब चलिए हम यहाँ पे जो जो आपको नहीं चाहिए वो हटा सकते हैं, सोशल प्लगइन, तो सोशल प्लगइन पे भी आपको अपना यूआरएल पेस्ट करना होगा, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ऑटोमेटिक वहाँ पे शो होने लगेगा लेआउट, यहाँ पे सब दिया हुआ है, आप देख लीजिए ध्यान से।
इस पूरे लेआउट में जैसा मन वैसा सेटिंग कर। सोशल प्लगइन, तो ये रहा सोशल प्लगइन, इस पर आपको अपना यूआरएल पेस्ट करना है जो भी सोशल मीडिया का है। और देखिए एडिट बटन क्लिक कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। इस जगह पे आप चाहे तो और भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मुझे अभी कुछ नहीं करना, बस आपको बताया। अभी ये हो गया हमारा एक काम। तो सो अबाउट अस का प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टेंट का पेज हम कैसे ऐड करेंगे ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले आप देखिए एक पेज, इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ से ओपन कर लेता हूँ अबाउट में जाके। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। सब कुछ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको पीसी में करके बताऊंगा। अगर आपको मोबाइल में समझ नहीं आया तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे वीडियो बनाने में। आई होप कि आप समझ गए होंगे, मोबाइल में बहुत आसान है आपको करना है, क्योंकि इस थीम के लिए पीसी की ज़रूरत भी नहीं है वैसे। तो चलिए हम फिर से चलते हैं लेआउट पे। मैंने कॉपी कर लिया अबाउट का यूआरएल, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल फुटर विजेट, फुटर मेनू विजेट। ओके, इस पर क्लिक कीजिए आप। यही है हमारा अबाउट, अबाउट देखिए अबाउट कॉन्टेक्स्ट प्राइस बोले तो अबाउट के हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट ऑल अबाउट कई बार यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, हो गया। डन कर दीजिए सेव के बटन पे। और भी चाहे डिस्क्लेमर जितना पेज टाइम और कंडीशन जो भी ऐड करना करते चाहिए आप, और यू आर दे दीजिए। कितना आसान थीम है, बेस्ट थीम है जो वेबसाइट के लिए। इसमें आपको पोस्ट लिखने में भी आसानी होगी, क्योंकि आप इसमें थंबनेल नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, इमेज जो होता है ना वो, ठीक है। अगर लगाएंगे तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। देन अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना पड़ेगा आगे। इसे रिमूव करते हैं यहाँ से और वेबसाइट पर रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं अभी क्या करना है इसमें। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना होगा। वो इसमें ये जितना है लेटेस्ट पोस्ट, एडमिट कार्ड, ये सब को आप चाहे तो अपने हिसाब से नाम चेंज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये फालतू का जो यहाँ पर टेबल बने हुए हैं, इन्हें चाहे तो आप रिमूव कर सकते हैं। और टैक्स है, ये टैक्स को भी रिमूव कर दीजिए, ये कैटेगरी है एक हिसाब से, तो और ज़रूरी नहीं रखना। और बात रही क्रेडिट की, तो ये ज़रूरी नहीं है रिमूव करना, बहुत से वेबसाइट रखते हैं ये टेम्पलेट का जो भी होता है, अच्छा है, इसे रिमूव नहीं करना है आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे रख सकते हैं आप। और distro.blogger.com, ऐसे आपने इंडिगो जो वेबसाइट पर देखा होगा, वो भी ब्लॉगर का टेम्पलेट लेके कितना अभी अर्निंग कर रहा है। तो ये बहुत फास्ट जल्दी लोडिंग होता है, इसकी लोडिंग स्पीड बहुत अच्छी है, इस थीम की बहुत स्मूथली है, तो ये आपको फ़ायदा रहेगा। ऑलमोस्ट मैंने इसका पूरा कस्टमाइज करके बता दिया आपको, वैसे खास कुछ नहीं है इसमें अभी करने के लिए, ठीक है दोस्तों। बस आपको एडसेंस का अप्रूव मिले, ऐड लगाइए, इसमें बहुत अच्छे खासे ऐड्स आते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करके, तो मैंने कितना सारा ऐड लगा रखा है और कैसा डिज़ाइन है, सेम मैंने इसी तरह से किया था। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी कुछ खास नहीं है, जैसा मैंने नॉर्मल सीधा सिंपल सा टेम्पलेट लगा रखा है। देखिए यहाँ पे देखिए कितने ऐड्स हो रहे हैं, एक हो गया और दो ऐड्स, जितने भी मतलब एक पेज पे आपको ज़्यादा ऐड नहीं रखने, चार ऐड रखिए, चार तीन काफ़ी है, ठीक है, पर पेज तीन चार ऐड इनफ होता है। तो इस तरीके से डिज़ाइन किया, आपको जैसी मर्जी वैसे कर लीजिए मोबाइल से। बस आपको हेडर के नीचे ऐड लगाने के लिए पीसी है तो पीसी से कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल से काम नहीं करेगा मैं आपको बता देता हूँ पहले। जैसे थीम बटन में हमें क्लिक किया, जो ऑटो एड्स होता है ना, जैसे एडिट एचटीएमएल पे हम क्लिक करके लगाते हैं, तो ये यहाँ से करना बहुत मुश्किल होता है, मोबाइल से तो नहीं होगा। आप मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको कंप्यूटर से कर लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो एडिट एचटीएमएल करना मोबाइल से बहुत मुश्किल है, तो ये नहीं होगा। तो बाकी जितने भी कस्टमाइजेशन करना है आपको, फुल कस्टमाइजेशन आप लेआउट पर जाके मोबाइल से ही कर सकते हैं दोस्तों। बस ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फालतू के जो यहाँ पे लेबल वगैरह है, इनको रिमूव करना चाहे तो कर सकते हैं आप यहाँ से बड़ी आसानी से। तो दोस्तों बस वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।